हेलो एवरीवन आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही आसान तरीके से बेसन बर्फ़ी बिल्कुल हलवाई स्टाइल तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले ले, ले लेंगे एक भारी बर्तन या भारी तले की कढ़ाई ले ले उसमें डालें चार से पाँच चम्मच घी और इसमें हम डालेंगे एक कटोरी बेसन लेकिन बेसन को हम सबसे पहले छान लेंगे इस तरह से ताकि इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ ना पड़े आप चाहे तो बेसन को साइड में भी छान कर उसके बाद कढ़ाई में डाल सकते हैं या इस तरह भी कर सकते हैं इसके बाद हम बेसन को थोड़ा सा भून लेंगे अब हम इसमें मिलाने वाले हैं चने दाल का पाउडर तो जो हमारे घर में चना दाल होता है ना उसे आप मिक्सर ग्राइंडर में डालकर और दरदरा पीस ले बारीक ना पीसें बिल्कुल पाउडर ना बनाए नहीं तो फिर वो बेसन जैसा ही हो जाएगा तो दरदरा पीसने से क्या होगा कि हमारी बर्फी में बहुत ही अच्छा टेक्सचर आएगा जैसा हलवाई लोग बनाते हैं ना बिल्कुल उस तरह से तो आप अगर पीस कर नहीं डालना चाहते हैं तो आप क्या करें और एक कटोरी बेसन डाल दें ठीक है तो अब ये सब डालने के बाद हमें इसे बहुत ही अच्छे से भूनना है कितनी देर कम से कम बारह से पंद्रह मिनट तो पंद्रह मिनट तक फ्राई करने से क्या होगा एक तो बेसन का कलर चेंज हो जाएगा उसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगेगी और इसका टेक्सचर भी बिल्कुल चेंज हो जाएगा और क्या होगा आपके हाथों का अच्छा खासा एक्सरसाइज हो जाएगा तो देखिए हमारा बेसन भुन चुका है और अब हम इसमें मिलाने वाले हैं पिसी हुई चीनी तो दो कटोरी बेसन में मैंने यहाँ पे लिया है एक कटोरी से थोड़ी सी कम पिसी हुई चीनी तो आप अगर इस क्वांटिटी से लेते हैं तो आपका जो बेसन बर्फ़ी है ये ना ही ज़्यादा मीठा हो जाएगा ना ही ये कम रहेगा मतलब एक्यूरेट मीठा रहेगा जैसा कि होना चाहिए और अगर आप कम करना चाहते हैं तो कम कर सकते हैं लेकिन इससे ज़्यादा मत कीजिएगा नहीं तो ये ज़रूरत से ज़्यादा मीठा हो जाएगा तो चीनी डालने के बाद हम इसे दस मिनट तक और भूनेंगे और इस तरह से भूनते रहेंगे बीच में ये थोड़ा ड्राई हो जाएगा उसके बाद हम इसमें मिलाएंगे थोड़ा सा घी एक चम्मच तो घी डालने के बाद देखिए आप ये कैसे गीला हो गया और इसे हम इसी तरह से मिक्स करते रहेंगे और अब इसमें हम डालेंगे पिसी हुई इलायची या आप इलायची को सिंपली तोड़कर भी डाल सकते हैं इससे बहुत ही अच्छा खुशबू आएगा तो देखिए इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं बहुत ही स्मूथ हो गया है जितना इसे गीला होना चाहिए उसी तरह से है तो ये तैयार है अब हम ले लेंगे एक किसी भी तरह का जिसमें भी आप बर्फी सेट करना चाह रहे हैं या तो इस तरह का डब्बा ले लें उसमें आप बटर पेपर लगा लें अगर बटर पेपर नहीं है तो आप सिंपली एक थाली को घी से ग्रीस कर लें और उसी में आप बर्फी को सेट कर लें तो देखिए सारे बैटर को मैंने इसमें डाल दिया है और अब इसके ऊपर हम गार्निश करेंगे ड्राई फ्रूट्स के साथ तो मैंने यहाँ पे लिया है पिस्ता और बादाम आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हो आप इस तरह से गार्निश कर दें और नहीं हो अगर कुछ भी तो सिंपली आप बना लें उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा तो अभी ये गीला है हमने इसे फ्रिज में आधे घंटे के लिए रखा था देखिए इसका टेक्सचर अभी थोड़ा सॉफ्ट है ये तो हम इसी समय पे इसमें चाकू से कटिंग कर लेंगे नहीं तो इसे हम ज़्यादा देर के लिए अगर फ्रिज में रखेंगे तो ये थोड़ा ज़्यादा हार्ड हो जाएगा और आपको कटिंग करने में शेप देने में थोड़ी परेशानी आएगी तो इस तरह से इसमें मार्क कर लें और इसे फ्रिज में और रख दें एक घंटे के लिए तो एक घंटे के बाद बर्फ़ी पूरी तरह से सेट हो चुकी है तो देखा आपने कितना इजी था बेसन की बर्फ़ी बनाना तो अगर आपको ये बहुत ही इजी लगा हो तो आप भी इसे जल्दी से जल्दी ट्राई करें और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के साथ तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वारीज हो आप कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे कमेंट करें थैंक यू